तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही करारे और शानदार क्रिस्पी पोटैटो कॉर्न नगेट्स, जिन्हें बनाने में आप सबको 15-20 मिनट लगेंगे और ये आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे बॉइल्ड पोटैटोस। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज के बॉइल्ड पोटैटोस लिए हैं। अब हम इन सारे पोटैटोस को मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। आप यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे अनियन पाउडर, वैसे ऑप्शनल है, आप यहाँ पर चॉप्ड अनियंस भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इस पर डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर हम यहाँ पर लेंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, आप इसकी जगह चॉप्ड गार्लिक भी डाल सकते हैं। और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। और लास्ट में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पर सॉल्ट ऐड करिए। अब इसके बाद वेजीज में हम यहाँ पर डालेंगे चॉप्ड अनियंस 1/4 कप एंड 1/2 कप ऑफ बॉयल्ड स्वीट कॉर्न। यहाँ पर मैंने बॉयल्ड स्वीट कॉर्न यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स 1 टेबल स्पून। और इसमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सेजवान चटनी 1 टेबल स्पून, वैसे ही ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको इसे और भी ज़्यादा यम्मी बनाना है तो आप यहाँ पर मैगी टेस्ट मेकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपने मनपसंद के वेजीज भी डाल सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम वगैरह। मैंने यहाँ पर नहीं यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर हम कॉर्न नगेट्स बना रहे हैं, इसलिए। तो ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम स्लरी बनाएंगे। तो स्लरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम इस पर डालेंगे सॉल्ट। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून भी सॉल्ट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर 1 टेबल स्पून, मतलब मैंने अपन मैदा डाला है 1 टेबल स्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करके इसे मिक्स किया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा थिक दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वाटर और ऐड करेंगे। और यहाँ पर ये हमारी परफेक्ट स्लरी बन के तैयार हो चुकी है। तो पोटैटो कॉर्न नगेट्स के लिए यहाँ पर स्लरी तो बन चुकी है, बट इसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे कॉर्नफ्लेक्स। ये कॉर्नफ्लेक्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जो हम नमकीन वगैरह पे फ्राई करके यूज़ करते हैं, वही वाला कॉर्नफ्लेक्स हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर हमने 1/4 कप कॉर्नफ्लेक्स लिया है। अब हम इन्हें छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये बहुत ही ईजिली हमारे कॉर्न नगेट्स में ऊपर से अप्लाई हो जाए। अब इसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इन्हें हमें अभी फ्राई नहीं करना है। इसके बाद अब हम सारे नगेट्स को बढ़िया से शेप देंगे। तो उसके लिए मैंने अपने हाथों पे पहले थोड़ा सा ऑयल अप्लाई किया है और फिर हम इन पोटैटो नगेट्स को बढ़िया से शेप देंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद के कोई भी शेप इन्हें दे सकते हैं, आप इन्हें राउंड शेप, स्क्वायर शेप, किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्हें शेप दे दिया है। तो अब इसके बाद अब हम इन्हें स्लरी में डिप करेंगे, जो हमने स्लरी बना के रखी थी। तो ये स्लरी से बढ़िया से कोट हो चुके हैं। तो अब इसके बाद हम इसे कॉर्नफ्लेक्स से कोटेड करेंगे, इसे पूरी तरह से आगे पीछे और इसके जो कॉर्नर्स में है सारी चीज़ों में। तो इसे प्रोसेस को ऐसे ही रिपीट करते हुए हम सारे जो पोटैटो कॉर्न नगेट्स हैं उन्हें बढ़िया से ऐसे बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पहला पोटैटो कॉर्न नगेट्स बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बारी है इसे फ्राई करने की। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने ये सारे पोटैटो कॉर्न नगेट्स बना के तैयार किए हैं। इनके ऊपर ये जो कॉर्नफ्लेक्स लगा है, इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची आएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे आपको खाने में। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उस पर हम बढ़िया से तेल को गर्म हो जाने देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें सारे पोटैटो कॉर्न नगेट्स को फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इन्हें, जब आपको ये एक तरफ से बढ़िया से गोल्डन ब्राउन दिखे तो आप इनका जो साइड है उसे चेंज कर दें। तो यहाँ पर ये एक तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं, बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इनके सारे पोटैटो कॉर्न नगेट्स का हम ऐसे ही साइड चेंज कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमारे क्रिस्पी पोटैटो कॉर्न नगेट्स बनके तैयार है। तो आप लोगों ने देखा इन्हें बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारे ये क्रिस्पी पोटैटो कॉर्न नगेट्स की रेसिपी कैसी लगी। अब हम इन्हें गर्मा गर्म करेंगे सर्व। तो सर्व करने के लिए अब हम इनके ऊपर से डालेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ते, इसलिए बहुत ही अच्छे दिखेंगे भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो हम इन्हें सर्व कर रहे हैं शेजवान चटनी के साथ। आप इन्हें केचप के साथ भी ले सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप भी इन्हें ज़रूर बनाएं। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, वो भी एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।